दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने इंटरनेट डेटा को जल्दी खत्म होने से बचा सकते हो, आप अपने फोन में पूरा दिन इंटरनेट को कैसे यूज कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था, बोला था कि हमारा जो इंटरनेट डेटा वो जल्दी खत्म हो जाता है, हम अपने फोन में पूरा दिन इंटरनेट को यूज नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन बताने वाला हूं, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं, सेटिंग्स बताने वाला हूं जिनको आप अपने फोन में यूज करके दोस्तों आप अपने फोन में पूरा दिन इंटरनेट को यूज कर पाओगे। चाहे आप व्हाट्सएप यूज करो, इंस्टाग्राम चलाओ, फेसबुक चलाओ या यूट्यूब पर मूवी देखो, सॉन्ग देखो, वीडियो देखो, दोस्तों कभी भी आपका जो इंटरनेट डेटा है वो जल्दी खत्म नहीं होगा। आप पूरा दिन अपने फोन में बहुत ही आसानी से इंटरनेट को यूज कर पाओगे। चाहे आपको एक दिन में 1 GB डेटा मिलता हो, 1.5 GB, 2 GB, दोस्तों पूरा दिन आपका इंटरनेट चलेगा। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जरूरी है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब आपको अपने फोन में कुछ सेटिंग करना है। आपके फोन में जितने भी एप्लीकेशन हैं, जैसे सोशल मीडिया एप्लीकेशन हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, यूट्यूब, दोस्तों आपको इन सभी एप्लीकेशन में कुछ सेटिंग कर रहे हैं। आपको एक एक सेटिंग इन सभी एप्लीकेशन में ऑन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको YouTube को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, आपको जाना है YouTube में, क्योंकि दोस्तों हम YouTube को सबसे ज्यादा यूज करते हैं, YouTube को सबसे ज्यादा चलाते हैं। तो सिंपली आपको प्रोफाइल पर टैप करना है, ठीक है, प्रोफाइल पर टैप करने के बाद आपको सेटिंग्स पर टैप करना है। अब आपको यहां पर सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा डेटा सेविंग, आपको यहां से डेटा सेविंग मोड को ऑन कर देना है। क्योंकि दोस्तों हम दिन भर YouTube पर मूवी देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, हमारा इंटरनेट डेटा जल्दी खत्म हो जाता है, तो आपको यहां से डेटा सेविंग मोड को ऑन कर देना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग अपने फोन में Instagram को सबसे ज्यादा यूज करते होंगे, Instagram पर रील्स देखते होंगे, आपको Instagram में जाना है, ठीक है, आपको Instagram को ओपन करना है। Instagram को ओपन करने के बाद आपको प्रोफाइल पर टैप करना है, इसके बाद आपको 3 लाइन पर टैप करना है, आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, आपको इस पर टैप करना है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेटा यूजेस एंड मीडिया क्वालिटी, आपको इस पर टैप करना है। दोस्तों आपको यहां से डेटा सेवर को ऑन कर देना है, ठीक है, Instagram में आपको डेटा सेवर को ऑन कर देना है। अब दोस्तों आपको फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना है, क्योंकि 90% लोग फेसबुक एप्लीकेशन यूज करते हैं, आपको फेसबुक में जाना है। फेसबुक में जाने के बाद आपको 3 लाइन पर टैप करना है, प्रोफाइल पर टैप करना है, इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर टैप करना है। अब आपको सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद अब दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा मीडिया का, आपको इस पर टैप करना है, आपको यहां से डेटा सेवर को ऑन कर देना है। 40% दोस्तों आपका जो डेटा है वो सेव होगा। जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन आप यूज करते हो दोस्तों आपको उन सभी एप्लीकेशन में डेटा सेवर को ऑन कर देना है। लगभग 90% लोग इस सेटिंग को ऑन नहीं करते हैं, इस वजह से उनका इंटरनेट डेटा जल्दी खत्म हो जाता है। दोस्तों इस तरह आपको सोशल मीडिया के सभी एप्लीकेशन में जाकर डेटा सेवर को ऑन करना है, ओके। इसके बाद आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद प्रोफाइल पर टैप करना है, सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको नेटवर्क प्रेफरेंस पर टैप करना है। अब आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो अपडेट एप्स, आपको इस पर टैप करना है। यहां से आपको थर्ड वाले ऑप्शन पर टिक करके रखना है, ठीक है, आपको यहां से थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ऑटोमेटिक आपका कोई भी एप्लीकेशन अपडेट नहीं होगा, जब आप चाहोगे तभी दोस्तों आपके फोन के एप्लीकेशन अपडेट होंगे, ठीक है। ये रहे एप्लीकेशन के सेटिंग्स, जो भी एप्लीकेशन हम अपने फोन में यूज करते हैं आपको उन एप्लीकेशन में ये सेटिंग्स करने हैं। अब दोस्तों आपको अपने फोन में सेटिंग करने हैं, आपको अपने फोन के सेटिंग्स को ओपन करने हैं। फोन के सेटिंग्स को ओपन करने के बाद अब आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, आपको इस पर टैप करने हैं। फर्स्ट नंबर पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले डेटा यूजेस इन नोटिफिकेशन ड्रॉअर, आपको यहां से इस सेटिंग को ऑन कर देना है। दोस्तों इसका काफी बड़ा फायदा है, जब आप इस सेटिंग को ऑन कर दोगे दोस्तों आप यहां पर नोटिफिकेशन में देखते रहोगे कि आपने कितना डेटा यूज किया है, कितना रिमेनिंग में बचा हुआ है, ठीक है। ये जो ऑप्शन है, ये जो फीचर है, काफी ज्यादा यूजफुल है। जैसे आप यहां पर देख सकते हो यूज टूडे 430 MB डेटा हमने यूज कर लिया है, रिमेनिंग में 594 MB डेटा बचा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको लास्ट काम करना है
डेटा लिमिट सेट करना है, क्योंकि दोस्तों काफी सारे लोग डेटा लिमिट सेट करते नहीं है, ऑटोमेटिक उनका इंटरनेट डेटा खत्म हो जाता है। ठीक है, मान लो कि आपने अपना फोन किसी को दे दिया, वो बंदा फोन में इंटरनेट यूज कर रहा है, वीडियो लगातार देखते ही जा रहा है, पूरा डेटा खत्म हो जाता है और बाद में हमें पता चलता है कि यार हमारा डेटा खत्म हो चुका है। तो दोस्तों अब आप डेटा लिमिट सेट कर सकते हो। जब आप डेटा लिमिट सेट कर दोगे, जो भी लिमिट आप लगाओगे, उतना डेटा खत्म होने के बाद आपका इंटरनेट डेटा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जब तक आप ऑन नहीं करोगे इंटरनेट नहीं चलेगा। इससे आपको पता भी चलता रहेगा कि आपने कितना डेटा यूज किया है, कितना डेटा बचा हुआ है। ठीक है, डेटा लिमिट सेट करने के लिए आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा पर टैप करना है। इसके बाद आपको डेटा यूजर्स पर टैप करना है। अब दोस्तों आपको यहां पर मोबाइल डेटा लिमिट का ऑप्शन मिलेगा, आपको डेली मोबाइल डेटा लिमिट पर टैप करना है। अब दोस्तों आपको यहां पर डेटा लिमिट सेट कर देना है। ठीक है, जितना भी डेटा आपको एक दिन में मिलता है, जैसे 1 GB मिलता है तो आपको 500 MB पर टिक कर देना है, 2 GB मिलता है तो दोस्तों आपको 1 GB पर टिक कर देना है। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों आप 50% डेटा पर लिमिट सेट कर सकते हो। मान लो कि आपको एक दिन में 2 GB डेटा मिलता है, जब आप 1 GB पर डेटा लिमिट सेट कर दोगे, दोस्तों जब 2 GB में से 1 GB डेटा आपका खत्म होगा, जब 1 GB डेटा खत्म होगा, आपका जो इंटरनेट है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। आपको रिमाइंडर आ जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा कि आपने 1 GB डेटा यूज कर लिया, अब आपके पास रिमेनिंग में 1 GB डेटा बचा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह आप इन सेटिंग्स को यूज करके, ट्रिक्स को यूज करके अपने इंटरनेट डेटा को सेव कर सकते हो। पूरा दिन आप अपने फोन में इंटरनेट को यूज कर सकते हो, कभी भी आपका इंटरनेट डेटा जल्दी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।